रुक जाओ, यहाँ पर चेकिंग जरूरी है। ये पुलिस का चेक पॉइंट है। कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग सर। सर क्या आप मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे? ठीक है, सब ठीक है ना? एक सेकंड रुकिए, हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। ब्लैक मार्केट्स की जांच पड़ताल के सिलसिले में कुछ चेक पॉइंट्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप क्या लेकर जा रहे हैं? फिल्मिंग इक्विपमेंट, शूटिंग का सामान है। लेकिन घबराहट ज्यादा होती है जब आखिरी चेक पॉइंट होता है, जिसके बाद आप ऐसे इलाके में पहुँचते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये लीजिए, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। तो ये लोग ड्रग्स की आवाजाही रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ सही कहा, हम क्योंकि एक फिल्म क्रू हैं इसलिए इन्होंने ज्यादा तलाशी नहीं ली। लेकिन अक्सर हर चीज की तलाशी होती है, हर चीज की, यहाँ तक कि टायर्स की भी। ये पूरी कार उथल पुथल करके रख देते हैं। ये लोग हमेशा यहाँ होते हैं? ऐसा ही है। चेक पॉइंट को पार करते ही हम ऐसे बेकाबू इलाके में दाखिल हो गए जहाँ दुनिया की कुल कोकेन का करीब 20% हिस्सा बनता है, जो है व्रेम। मुझे इस बात पर गर्व नहीं है, लेकिन हम सबसे अच्छी कोकेन बनाने वाले प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ कोको की पत्तियाँ काफी ज्यादा मिलती हैं, उन्हीं से कोकेन बनती है। यानी कि यहाँ बनने वाली कोकेन की क्वालिटी अच्छी होती है? बेहतरीन। इस दुनिया के बारे में मुझे बता रहे हैं मेरे दोस्त सेविचे, जो रेम में कई साल रह चुके हैं। यहाँ ये लोग कोका की पत्तियाँ सुखा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये जो पत्तियाँ सूख रही हैं सब कोका है? हाँ, ये कोका है, देख रहे हैं आप। ये ब्रेम में स्थानीय लोग हजारों सालों से कोका उगाते आए हैं, लेकिन ये कोई आम फार्मिंग कम्युनिटी नहीं है। सब लोग सावधान, यहाँ हम लोग जूझते हैं अपराध से, और उन लोगों से जो चोरी करते हैं, और उन लोगों से भी जो अपराध करते हैं। हम सांता रोजा में कानून लागू करेंगे। हम हैं कमिटी ऑफ सेल्फ डिफेंस। इस पूरी घाटी में इस तरह के हथियारबंद ग्रुप्स का एक हुक्म चलता है। कोका फार्मर से सैनिक बने इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपने समुदायों और अपनी फसल की रक्षा करें। तो यही है कोका? कोका लीव्स मतलब। ठीक है, आप इसे इस तरह चबाते हैं? क्या मैं भी इसे चबा लूं? ये ठीक रहेगा? सिर्फ चबाना है, निगलना नहीं है। मैं चबा रही हूँ, ये कह रहे हैं कि इन्हें चबाना है, निगलना नहीं है। समझ गई, इनका स्वाद आम पत्ती जैसा है। इससे मुंह थोड़ा सुन हो जाता है ना? जी जी, क्योंकि इसमें ड्रग है। समझ गई, फ्लेवर अच्छा है पर कड़वा है, लेकिन बढ़िया है। यहाँ परू में कोका लीव्स को उगाना और बेचना वैध है, लेकिन अगर आप कोका की पत्तियों को प्रोसेस करके कोकेन बनाने लगे तो ये अवैध है। इससे आपको ताकत मिलती है? जी हाँ, ताकत और हिम्मत। ताकत और हिम्मत, ताकत। समझ गई। शुरू में इन सैनिकों को शाइनिंग पाथ नाम के एक बेरहम कम्युनिस्ट ग्रुप से टक्कर लेने के लिए बनाया गया था, जो 1980 के दशक में काफी ताकतवर संगठन था। इसके सदस्य परू की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कई दशक से सिविल वॉर चलाते आए हैं। हमारे दुश्मन मौजूद है वहाँ सामने पहाड़ों में, शाइनिंग पाथ के लोग वहीं पर हैं। स्मगलिंग से जुड़े मुख्य रास्तों पर शाइनिंग पाथ का कब्जा है, और ये अपने इलाके को बढ़ाने के लिए समुदायों पर हमला करते हैं। ये ग्रुप कोका लीव्स उगाने वालों, कोकीन बनाने और स्मगल करने वालों से उन्हें प्रोटेक्शन या सेफ पैसेज देने के नाम पर पैसा ऐंठते हैं। ये बात छिपी हुई नहीं है कि शाइनिंग पाथ ड्रग ट्रैफिकिंग के बल पर ही टिका हुआ है, बल्कि व्रेम में तो हर किसी पर ये बात लागू है। हमारी आबादी कोका लीव्स की बिक्री से ही रोजी कमाती है, यहाँ और कोई प्रोडक्ट नहीं है, व्रेम में यही रोजी का इकलौता जरिया है। ब्रेम की सियासत काफी पेचीदा है। सब लोग पोजीशन लो। शाइनिंग पाथ के खिलाफ जूझने और अपने परिवारों को पालने के लिए ये किसान कोका लीव्स बेचते हैं, और खरीदार से कभी नहीं पूछते कि वो इनका क्या करेंगे। शाबाश, भागो भागो, जल्दी करो। नीचे जमीन पर झुको। शाबाश शाबाश, भागो। पर हकीकत ये है कि ब्रेम में कोका लीव्स का करीब 94% हिस्सा ड्रग ट्रैफिकर्स के पास जाता है। यहाँ ड्रग ट्रेड छोटे छोटे फैमिली क्लैंस के नियंत्रण में है। ये सब अलग अलग काम करते हैं और अजनबियों को शक की नजर से देखते हैं। बाहरी लोगों को देखकर इन्हें लगता है कि वो अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं। इसीलिए मैं इस प्रोसेस के अंतिम चरण में दाखिल होने के लिए सिवेचे की मदद ले रही हूँ।
मेरे पास एक टैक्सी होती थी जिससे मैं लोगों को एक से दूसरे शहर ले जाता था। कभी कभी इनके पास सप्लाईज होती थी। सप्लाईज माने कोकीन? नहीं। तो फिर सप्लाईज कोकीन में डालने वाली अच्छा। एक चीज है, एसिड, कोका लीव्स। पर आपको ये तो मालूम था ना कि इससे कोकीन बनती है? एक बार किसी के पास 5 कंटेनर ब्लीच के थे, मुझे लगा इतने कपड़े कौन धोता है। जब आपको पता चला कि मकसद क्या है उनका, तो आपने क्या किया? बस मंजिल तक पहुंचा दिया। पता चला कि सिवेचे का एक पूर्व मुसाफिर अब भी कोकीन के धंधे में सक्रिय है। वो एक ऐसे फैमिली क्लैन का हिस्सा है जो कोका लीव्स को खरीद कर उनसे कोकीन पेस्ट बनाता है। ये काम पेचीदा है, सिर्फ भरोसा होने पर ही वो आपको इसे दिखाएंगे। यहाँ से वहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं? 1 घंटा। इनका कॉन्टैक्ट मुझसे मिलने को राजी तो हो गया, लेकिन मुझे बहुत कम सूचनाएं दी। हमसे कहा गया कि हम शहर से बाहर निकल कर आगे की इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करें। तो हम इन कच्ची सड़कों पर पहाड़ों में 1 घंटे का सफर करेंगे। हम दुएनियो से मिलने जा रहे हैं, जो एक ड्रग ऑपरेशन का मालिक है, जिसने जंगल में हमें अपनी लैब में शूटिंग करने की इजाज़त दी है। मुझे बस ये पता है कि मुझे वो जगह देखने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जहाँ से कोकेन अमेरिका तक 4800 किलोमीटर लंबा सफर शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल हम वहाँ पहुँचने को लेकर नर्वस हैं। हमें कहा गया है कि जब भी हमारी तरफ कोई कार आए या हम किसी ऐसे कस्बे से गुजरें जहां लाइट्स हों, तो हम अपने चेहरे छिपा लें, क्योंकि ये बाहरी लोगों को नहीं देखना चाहते ताकि शक हो। कैमरा नीचे करो, ये इलाका काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि हमें इस कोकीन लैब को देखने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें कई ऐसे इलाकों से गुजरना होगा जो दूसरे क्लैंस और मिलिशिया के हैं, जिन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं। यहाँ पे रुको 1 मिनट के लिए, अपनी हेडलाइट्स बंद करो। तो मैं थोड़ी परेशान हूँ, सड़कें सुनसान हैं, बहुत अंधेरा है। तभी अचानक एक आदमी हमें नजर आता है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कौन है। क्या आप हमारे साथ चलने के लिए आए हैं? हाँ। ठीक है, आप वहाँ काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? हाँ, मैं एक केमिस्ट हूँ। इस पूरे ऑपरेशन की एक अहम कड़ी ये केमिस्ट इस पहाड़ी सड़क पर घुप अंधेरे में खड़ा हुआ था। कभी कभी ऐसी बातें समझना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ सेफ है, यही जानने के लिए आप ऐसे अंधेरे में खड़े थे। चलिए अब चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब लाइट्स बंद कर दो, मेरे साथ आइए। हम जंगल में जा रहे हैं। ये हमारा कस्बा है, तो आप अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए। ठीक है। कस्बे के लोग एक साथ काम करते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ बाहर आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कस्बा पास ही है, अगर लोगों ने हमें देख लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। ये लैब्स स्थानीय समुदायों की कमाई का जरिया है, इनके बिना कोका लीव्स की मांग बहुत घट जाएगी, इसीलिए गांव वाले इतनी एहतियात बरतते हैं। देखा जाए तो हम उनकी रोजी रोटी के लिए खतरा है। केमिस्ट ने मुझसे वादा लिया है कि मैं इस जगह का खुलासा नहीं करूंगी, और मैंने उससे कहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे तो अपने पैर ही नहीं दिख रहे हैं, तो इस इलाके का क्या पता। कितना ले रहा है, दिख ही नहीं रहा। ओ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो यही है वो जगह? पहुंच गए। यही है वो जगह, कमाल है।